Once more! Hey guys, good morning, welcome back to my new blog. तो guys, आज का ये blog बहुत ही special है क्योंकि आज जो है Queen नैना का birthday. Happy birthday to you, नैना. Thank you. नैना जो है आज 28 साल के पूरे हो गए, 28 साल कंप्लीट कर ले, तो नैना को बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं कि इन्होंने अपनी जिंदगी के जो 28 साल है वो कंप्लीट कर लिए हैं. और इधर अरोही बोले कि मुझे भी लो, ये देखिए अरोही भी आ गई है. अरोही हाय बोलो सब तू. तो गाइज बर्थडे पे स्पेशल तो क्या है, बस थोड़ा सा बाहर जाएंगे, डिनर वगैरह बाहर ही करेंगे और पिक्चर भी देखेंगे. जब मेरा बर्थडे था और रवि का बर्थडे था तो नैना ने तो सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तैयारी के लिए टाइम नहीं था. तो मैंने जस्ट यही प्लान किया कि मैं या तो पिक्चर दिखा सकता हूँ या डिनर बाहर कर सकते हैं. बस यही दो चीज़ें प्लान कर सकता था मैं, बाकी डेकोरेशन तो नहीं कर सकता था मैं. तो इसीलिए इस बर्थडे को हमने यहीं तक स्पेशल रखा है कि चलो बाहर ही घुमाएंगे, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, काफ़ी टाइम से नहीं गए थे, है ना भाई. कौन सी पिक्चर देखनी है? आरोही अपने लगी हुई है. आरोही तो देखिए पूरा सेटअप तैयार है आरोही का, तो जैकेट वगैरह डाल के ठंड के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी ना. तो गाइस देखिए सारे तैयार हैं, मम्मा भी तैयार है, देखिए अच्छे लगे थे मम्मा. देखिए आरोही भी तैयार है, देखिए नैना तैयार है, रोही भी तैयार. माँ जी को नहीं लेके जाना, मैं नहीं लेना पंगा लेनी. क्यों मैं क्यों नहीं लेना? मैं जाना नहीं जाना, माँ जी कहते गाइस अभी सारे रेडी है जाने के लिए. देखिए और ये भी तैयार है, इधर नैना भी तैयार है और इधर मम्मा भी. गाइस अभी रेडी है टेक ऑफ के लिए, देखिए नैना भी आ गई है, मम्मा भी और ये भी. तो अभी हम निकल रहे हैं, देखेंगे क्या क्या आगे प्लान्स करते हैं. तो देखिए आप लोगों ने ब्लॉग्स में देखा होगा कि मेरा नैना का और रोही का बर्थडे जो है एक एक महीने के गैप के बाद आता है. सबसे पहले मेरा आता है सितंबर में, फिर रोही का आता है अक्टूबर में, अभी नैना का आ गया नवंबर में. तो एक एक महीने के गैप के बाद आता है. तो तीनों के बर्थडे के ब्लॉग मैंने बना रखे हैं, अभी तीसरा बर्थडे जो है उसका ब्लॉग शूट हो रहा है. तो लिंक में जो है मैं पिछले दोनों बर्थडे का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रोही का भी और मेरा भी. बाय नहीं करनी अभी तो, स्टार्ट हुआ है. तो गाइस तीनों ब्लॉग देखना और बताना सबसे बढ़िया जो बर्थडे का ब्लॉग है वो किसका लगा आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताना. गाइस देखिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थिएटर के बाहर, देखिए कितना प्यारा व्यू है, अभी न्यूली ओपन हुआ है ये. तो देखिए डेकोरेशन कितनी कमाल की है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया. देखिए तो गाइस देखिए अभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, देखिए लिफ्ट आ चुकी है. अरे खोलो लिफ्ट, खोलो, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम. खोलो ये, चलो अंदर, चलो चलो अंदर. देखिए नैना और रोही एंजॉय करते हुए यहाँ पे न्यूली ओपन थिएटर में, देखिए कितना बढ़िया लुक है, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल. देखिए
और ऐड चल रही है, बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है, तो आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। झूठ सुन के मैं पागल हो जाता हूँ। मूवी तो अभी ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही शानदार मूवी थी दृश्यम 2, बहुत ही बढ़िया थी। मतलब इतना अच्छा सस्पेंस था उसमें, और मतलब एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, म्यूज़िक बहुत ही ज़बरदस्त था, तो बहुत ही अच्छा लगा मूवी को देख के। मम्मी से पूछेंगे, मम्मा कैसा लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी। आपने भी सभी ने देखना जाके थिएटर में। मैंने आपको कैसे लगी? मैंने इधर देखी, इधर गाइज नैना ने तो मतलब मूवी का बिल्कुल ही मज़ा ख़राब कर दिया था, बिल्कुल भी उसने मूवी देखने नहीं दी कभी, चलो चलो चलो। एक्चुअली उसको मूवीज़ का शौक ही नहीं है, इसलिए वो बोर हो रही थी वहाँ पे मूवी देखते हुए, और आरोही भी परेशान कर रही थी, तो इस वजह से कुछ मज़ा नहीं आ पाया बीच में। बाकी तो मूवी तो काफ़ी ज़बरदस्त थी जितनी भी समझ में आई। तो चलिए गाइस अभी कुछ खाने के लिए चल रहा है, अभी हम पहुँच गए हैं डिनर करने के लिए। देखिए मोनी भाई के रेस्टोरेंट में मोनी भाई का जो रेस्टोरेंट, मतलब खाना इतना टेस्टी होता है, हमें बार बार यहाँ पे आना पड़ता है, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए अभी मंगवाते हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या क्या पसंद आता है खाने के। देखिए यार रोही बैठे यहाँ पे, रोही रोही से हाय। क्या रोही का ध्यान उस तरफ ही है, इस तरफ देख ही नहीं रही है। हम देखिए सारे इस साइड बैठे हैं और ये उस साइड देख रही है। तो गाइस देखिए फाइनली केक आ चुका है। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर नैना देवी जी, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी शेट्टी की थे माता मंदिर। गाइस बर्थडे पार्टी और केक कटिंग और डिनर भी हो चुका है, तो अभी हम फाइनली घर के लिए निकलते हैं। तो नैना को फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नैना हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अगर किसी ने भी नैना को विश करना हो तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे टू यू नैना लिख सकता है। हालांकि ये जो ब्लॉग है 3-4 दिन के बाद ही आएगा बर्थडे पार्टी के, तो ठीक है गाइज इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद है लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर। तो गाइस आरोही रह गई थी बाय करने के लिए, कहती मैंने भी बाय करनी है। आरोही करो बाय, बाय।